बुमराह बने नंबर वन वनडे गेंदबाज, सूर्य कुमार ने 44 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 5 में मारी एंट्री। तो दोस्तों क्या है पूरी आईसीसी रैंकिंग का हल, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को द ओवल में मंगलवार को पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराने के लिए 19 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे वह आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को पछाड़कर दुनिया के नंबर वन गेंदबाज का तमगा हासिल किया। बुमराह के पहले स्थान पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है। अब बोल्ट दूसरे और शाहीन अफरीदी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी को भी फायदा हुआ है, वे 4 स्थान के उछाल के साथ 23वें पायदान पर पहुंच गए हैं। गौरतलब हो कि बुमराह गेंदबाजों की टॉप 10 लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। उधर भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी लंबी छलांग लगाई है। यादव ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी शतक जड़ते हुए 117 रनों की तूफानी पारी खेली थी। 31 वर्षीय सूर्य कुमार 44 पायदान चढ़कर टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में 732 पॉइंट्स हो गए हैं। ये सूर्य कुमार के टी20 करियर की बेस्ट रैंकिंग है। बुमराह की तरह ही सूर्य कुमार भी बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले पायदान पर बाबर आजम का कब्जा बरकरार है। तो दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।